नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए, जो मार्च का महीना आने वाला महीना है 2022 का, वो कैसा रहने वाला है, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, हर एक क्षेत्र को हम लेंगे, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कर्म के लेवल पर, कर्मकांड के लेवल पर, रेमेडी के आधार पर क्या किया जा सकता है, उस पर ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपने कर्मा के आधार पर हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ जाते हैं कुंडली के ऊपर कि कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, बैठे कहाँ पर हैं, फिर उनकी स्थिति के अनुसार उसके रिजल्ट के ऊपर आएंगे। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली जो कन्या वाले हैं। कन्या जो है काल पुरुष की छठी राशि है, सिक्स्थ जोडियाक है, तो इसी वजह से यहाँ पर पहले भाव में 6 नंबर लिखा है। पर देखिए, ग्रह कोई नहीं है पहले भाव में, पहला दूसरा तीसरा भाव में काल पुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं, चौथा भाव खाली है, पंचम भाव में काल पुरुष की 10वीं राशि मकर में शनि महाराज हैं आपके, मंगल हैं और शुक्र हैं, ये तीनों ग्रह हैं। बुध भी यहाँ पर रहेंगे 6 तारीख तक, उसके बाद ये आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो बुध इस तरह से रहेंगे, छठे भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। और छठे भाव में और कौन कौन है, गुरु और सूर्य छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ 15 तारीख तक है, क्योंकि 15 तारीख तो मीना संक्रांति है, मतलब सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। इसके साथ देखिए, 8वां भाव खाली है, 9वें भाव में काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं, और दसम एकादश और द्वादश जो भाव है वो भी आपका खाली है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं, एक एक भाव लेंगे और उससे संबंधित चीज़ों को देखते जाएंगे, तो सारी कुंडली को एनालिसिस कर लेंगे। तो जैसे ही पहला भाव लेते हैं तो हेल्थ की बात आ जाती है, स्वास्थ्य की आ जाती है, समाज में आपकी ओवरऑल स्थिति की आ जाती है, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा उसकी बात आ जाती है। लग्न की, तो लग्न का स्वामी जो है वो 6 तारीख तक पंचम में रहेगा, पंचम भाव में, उसके बाद छठे भाव में जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही स्थिति ठीक है। आपका जो पहले जो 6 दिन है, आपको कोई लाभ वगैरह हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन आदि मिल सकता है, धन के माल में कोई बड़ा लाभ हो सकता है, संतान से आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक आदि मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। उसके बाद भी छठे भाव में यहाँ पर बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, मतलब आप बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, आपका जो एटीट्यूड होगा वो जुझारू रहेगा, जीतने का रहेगा, कंपटीशन आदि में आपको विजय मिलेगी। किसी रोग आदि से अगर आप ग्रस्त हैं तो आपका शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, आप डटकर सामना करना कर पाओगे चीज़ों का, छठे भाव में ये दिखाता है। ये जो बुध है ये सिर्फ लग्न का तो मालिक नहीं है, ये दशम भाव का भी है। दशम भाव मतलब आपका जॉब, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में आपकी स्थिति। तो जॉब का मालिक छठे भाव में आना अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा भी है। अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि धन आएगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10 और आप जीत कर निकलोगे चीज़ों से, ये अच्छा है। बुरा क्या है, थोड़ा कठिनाई रहेगी, क्योंकि जो भाव है ना, रोग ऋण शत्रु का भाव है, एफर्ट का भाव है, हार्ड वर्क का भाव है, तो चीज़ों में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, हार्ड वर्क भी आएगा, ऐसा थोड़ा बहुत अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है, पर इन द एंड आप विजय होकर निकलोगे, आप प्रयास करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ये यहाँ पे दिखा रहा है गुरु का, ये बुध का गोचर, ये जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए। इसके साथ साथ इस बुध पर इस गुरु का असर पड़ेगा, सूर्य का असर पड़ेगा। तो गुरु जो है कहीं ना कहीं दो केंद्रों के स्वामी हैं, और बुध के साथ बैठकर बुध भी दो केंद्रों के स्वामी है, तो दो केंद्रों के स्वामी आपके छठे भाव में आ गए, तो नौकरी जॉब वालों के लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है, नौकरी जॉब लग भी सकता है जो लोग उसकी तलाश में है। साथ में सूर्य आए हैं, सूर्य भी छठे भाव में आपको स्वास्थ्य में उन्नति करते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं आपको, और किसी कंपटीशन आदि में आपको पास कराने के लिए अच्छे हैं, अच्छे अंक लाने के लिए अच्छे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लग्न की बात हो रही है तो आपकी बात हो रही है, तो किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो जॉब का हो, बिजनेस का हो आपका, या फिर पढ़ाई लिखाई का हो, या फिर आप स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी कंपटीशन में आपको आपके जो आपके साथ वाले हैं उनसे आगे ले जाएंगे बुध यहाँ पर। इसके बाद द्वितीय भाव, जब द्वितीय भाव की बात आती है तो धन की बात आती है, फैमिली की बात आती है, पैसों की बात आती है, वाणी की बात आती है, और उसका स्वामी पंचम में है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा महीना है। धन आएगा, पैसा बढ़ेगा,
स्पेकुलेटिव गेन भी होंगे, परिवार में भी कुछ ना कुछ अच्छी होगा, परिवार का स्टेटस बढ़ने वाला है, आपके भाई बहन आपका जो परिवार है माता पिता उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, तो परिवार के लिए बढ़िया हो रहा है। क्योंकि जो शुक्र है एक तो पंचम में गया है, ये धन योग हो गया, लक्ष्मी योग हो गया, फिर साथ में वो उच्च के मंगल के साथ और स्वराशि के शनि के साथ बैठा हुआ है, तो ये जो अच्छी बातें हैं कि दोनों अच्छे ग्रह हैं। हाँ ये बात अलग है कि शुक्र का जो तत्व है वो जल है, मंगल का जो तत्व है वो अग्नि है और शनि का जो तत्व है वो वायु है, तो ये थोड़ा सा बहुत मैच बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। किस भाव में? पंचम में। पंचम क्या है आपका? प्रेम है, प्यार है, आपस में रिश्ता है। शुरू शुरू में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, उस समय का जो रिलेशन है, बाद में भी प्यार की आवश्यकता होती है, वो रहता है, तो वो चीज है, तो वहां पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत बिगड़ेंगी, बहुत क्यों नहीं बिगड़ेंगी, क्योंकि ग्रह अच्छे हैं, अपनी उच्च में है, कोई स्वराशि का है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बना रहे हैं, पर चूंकि तत्व तो नहीं मिलते हैं तो कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेके चलना पड़ेगा, तो बातें बेटर रहेंगी। धन के मामले में वंडरफुल है, स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेटिव गेन से, वाणी का आपका कोई काम है, रियल इस्टेट से, जमीन से, आपका फ्लावर का काम है, आपका किसी तरह से परफ्यूम, वेडिंग, होटल, मतलब कि शुक्र से जुड़ा काम है, वहीं आपका मंगल से जुड़ा काम है, इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग, आईटी राहु का ज्यादा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लॉजिकल जो काम होते हैं वो सर्जरी ये सब है, शनि से आपका कंस्ट्रक्शन आ जाता है, जो लोग अपनी कम फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं वो भी है, शनि मेटल्स भी है आपका, जो अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, वो भी शनि है, उससे जुड़ा हुआ भी काम है, तो उन सब में बढ़िया हो रहा है, उससे फायदा दिखा रहा है, काम के मामले में, बिजनेस के मामले में अच्छा दिखा रहा है, काम के मामले में अच्छा दिखा रहा है, मतलब पावर बढ़ने वाली है, पर स्ट्रगल नहीं होगा ऐसा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि स्ट्रगल क्यों होगा, क्योंकि छठे भाव का, सप्तम भाव का स्वामी छठे में जा रहा है, दसम का भी स्वामी छठे में जा रहा है, स्ट्रगल मेहनत करना होगा, वैसे भी जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता, जो ट्राई करता रहता है, जो कोशिश करता रहता है, उसी की जीत होती है, क्योंकि अगर आप शेर भी हो, बहुत स्ट्रांग भी हो आप, तब भी हिरन आपके पास आने वाला नहीं है, आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, और तभी कुछ रिजल्ट आएगा, अदरवाइज चार्ट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है, प्रयास करता है, अपने गोल पे दृष्टि रखता है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता है, और जितना कई बार तो ऐसा होता है कि हम मेहनत भी करते हैं पर आगे जाने के लिए नहीं, पीछे आने के लिए, ऐसा भी होता है, एक बस अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, पर वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सब, और फिर उसके बाद हम ज्योतिषी से ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो बताएं कैसा होगा, आप चार्ट अच्छा भी है पर आपको एक्शन तो लेना होगा उस डायरेक्शन में जहां आपको जाना है, तभी उसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिए तृतीय भाव पर आ जाते हैं, धन के मामले में देखा अच्छा है, बिजनेस वालों के लिए भी ठीक है, जॉब वालों के लिए भी ठीक है, संघर्ष रहेगा पर सफलता मिलेगी। तृतीय भाव जो है आपके छोटे भाई बहनों का है, कहीं ना कहीं तृतीय भाव में केतु हैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, उनको साथ में लेके चलना है, छोटे भाइयों को, पड़ोसियों को, और आपके जो संगी हैं साथ वाले उनको साथ में लेके चलना है, आपका जो ध्यान रहेगा वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, हायर एजुकेशन, कुछ बड़ा करने के ऊपर रहेगा, पर साथ में अपने लोगों को भी साथ में चलना है, ये राहु केतु यहाँ पर बता रहे हैं। तृतीय भाव का केतु ठीक ही माना जाता है, नवम भाव का राहु भी आपको विदेश यात्रा के लिए, फॉरेन से लाभ कराने के लिए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंग समझने के लिए फायदा करने वाला है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और राहु केतु की कोई दिक्कत है, बाय चांस राहु की दिक्कत है, तो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा की पूजा, बिल्लियों का कुछ उनकी कुछ केयर करना, इसके साथ साथ चींटियों को आप मीठी रोटी खिला सकते हैं, और नारियल आदि में कुछ खांड गुड़ आदि आटा वगैरह भर के चींटियों के लिए रखना, ये राहु की रेमेडी है। केतु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करना, मछलियों को आप आटा, मछलियों को आटे की गोली खिला सकते हैं, मत्स्य अवतार की कथा पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ केतु के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है, राहु के लिए चिंदमस्ता जो माता है उनकी पूजा की जाती है, राहु के साथ जैसे माँ दुर्गा के साथ साथ सरस्वती की पूजा की जाती है आपका, और भैरव जी और भगवान शिव की पूजा भी आप राहु केतु के लिए कर सकते हैं,
ये कुछ रेमेडीज हैं। केतु में आप मत्स्य अवतार की कथा पढ़ेंगे तो राहु में आप बरहावतार की कथा पढ़ सकते हैं। बरहावतार जो है भगवान श्री हरि विष्णु के, वो राहु से जुड़े, तो उस कथा को पढ़ने से, उसको समझने से, उसके जो एसेंस है उसको जीवन में उतारने से राहु की जो एनर्जी, राहु केतु की एनर्जी कंट्रोल में होती है। इसके साथ साथ केतु में ध्यान मेडिटेशन, राहु में भी ध्यान मेडिटेशन, राहु केतु अंधकार है हमारा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जाने से लोभ क्रोध काम ईर्षा अहंकार मद मात्सर ये सब जो है राहु केतु है, कब जब ये बढ़ जाते हैं, जब ये हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगते हैं, तो इन सबको समझना, इनसे ऊपर उठ पाना कर्म के लेवल पर भी जरूरी है। इसके बाद देखिए तृतीय भाव आपकी यात्राओं का भी है, और तृतीय भाव का स्वामी कहाँ गया, पंचम में जाके उच्च का हो गया। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप सेल्स मार्केटिंग में हो, आपका काम किसी तरह से ट्रेवल से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेश जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, महीना फेवरेबल है, अच्छा है उसके लिए। कहीं ना कहीं आपके प्रेम में, आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं और आपके जो इनलॉज हैं उनकी वजह से कुछ आपस में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के भले ही हो रहे हैं पर मंगल यहाँ अग्नि तत्व हैं, और कौन है वो, अष्टम के स्वामी है, जो इनलॉज को दिखाता है, या आपके जो पार्टनर है उसकी जो फैमिली है, उसकी जो फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से आपके रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा या आ सकता है। इसके बाद चौथा भाव हमारा घर का है, माता का है, भूमि का है, मदरलैंड का है, तो उसका जो स्वामी है वो छठे भाव में गया है, सूर्य और बुध के साथ है। वैसे लग्नेश और चौथे भाव का स्वामी साथ में बैठा है छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं ठीक है, नॉट बैड, पर ये थोड़ा सा जरूर है कि माता के साथ रिश्तों को थोड़ा सा ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। जमीन आदि से संबंधित अगर आप कुछ करते हैं, क्योंकि मंगल बहुत अच्छे हैं, तो उसमें चीज़ें स्मूथली नहीं होंगी, थोड़ा सा एफर्ट करके कार चीज़ों को करना होगा, पूरा पता करके चीज़ों को करना होगा, तभी लाभ हो पाएगा। गुरु बुध और सूर्य का साथ में संयोग और एक साथ बारह में भाव को देखना किसी लंबी ट्रेवल को भी दिखाता है, किसी यात्रा को भी दिखाता है, यहाँ पे बहुत संभावना है। बाकी आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि उसमें ऐसे योग हैं, कैसी दशा महादशा चल रही है, आपका जो प्रारब्ध है वो तो आपकी जन्मपत्री में है, पर यहाँ से ऐसा जरूर दिखा रहा है कुछ खर्चा भी लाइफ में बढ़ने वाला है, चाहे वो ट्रेवल के ऊपर बढ़े या फिर स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखें, कुछ छोटा मोटा खर्चा, क्योंकि जो भाव है ये फॉरेन लैंड का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इन्वेस्टमेंट का है, कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खर्चे का भी है, खर्चा बढ़ता है। ये भाव आसन आश्रम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म समाधि हॉस्पिटल जेल आदि का भी है, तो लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद पंचम भाव जिसमें सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये किसका है, पूर्व पुण्य का है, तो पूर्व पुण्य से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान बहुत ही मेधावी और आप कह सकते हो धन के मामले में भी, और ओवरऑल काफ़ी शक्तिशाली संतान होने की संभावना है इस समय जिनकी होगी, जो कन्या वाले होंगे, सकन्या वाले होंगे उनके लिए कह रहा हूँ, कन्या की संतान होती है, तो चूंकि मंगल अपने उच्च के हैं, शनि अपनी राशि में है, शुक्र भी यहाँ पर आपके अच्छे ग्रह हैं, एक धन के स्वामी है और एक पंचम के स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, तो धन लक्ष्मी योग बना रहे हैं, धन जो संतान होगी उसकी लाइफ में धन काफ़ी रहेगा, पावर काफ़ी रहेगी, ये दिखा रहा है। आपके लिए भी पावर बढ़ सकती है पॉलिटिक्स में, या आपको आपके थ्रू या फिर आपके जानकारी वालों के थ्रू कहीं ना कहीं से कोई स्टेटस मिलता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन हो सकता है। पंचम भाव ज्ञान का भी है, मंत्र आदि का भी है, तो अगर आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ है तो वहाँ भी आपकी बहुत बड़ी सफलता मिलने का चांसेस है, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, किसी भी अकल्ट में, इस तरह की चीज़ों में पंचम भाव उससे भी जोड़ता है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, एजुकेशन आदि के लिए बहुत बढ़िया, स्टूडेंट वगैरह जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा सा खटपट रह सकती है क्योंकि तत्व आपस में जो है मैच नहीं कर रहे हैं शुक्र शनि और मंगल के। वैसे भी जब शनि मंगल होते हैं साथ में संघर्ष योग होता है, पर चूंकि अच्छी राशि में है तो संघर्ष तो होगा पर चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, पर शुक्र भी वहाँ पर आ गए हैं, शुक्र बड़े थोड़े से सॉफ्ट ग्रह हैं और शुक्र प्रेम को दिखाते हैं, तो बस प्रेम का थोड़ा सा ख्याल रखना है, प्रेम को प्रेम पूर्वक हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पंचम भाव पॉलिटिक्स और पावर का भी है। देखिए जैसे एक जहाज है तो उसका जो एम है वो उड़ना है, वो अगर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहे तो ज्यादा साल वर्क करेगा शायद,
पर उसका जो जिंदगी का मकसद है वही उड़ना है, तो खड़े होकर चीजें अचीव नहीं की जा सकती। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में, और जो रिस्क लेता है, रिस्क लेने का मतलब गहरे पानी में डूब जाना नहीं है, रिस्क लेने का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके तैरना सीखना, और थोड़ा बहुत हल्का सा तो रिस्क लेना होता है। तो पंचम भाव रिस्क ही है, और उससे क्या दिखा रहा है, लाभ दिखा रहा है। तो छोटा मोटा जो रिस्क आप लोगे, कैलकुलेटिव जो रिस्क ले रहे हैं, उससे आपको लाभ होने को यहाँ को दिखा रहा है। इसके बाद छठा भाव, अब छठे भाव में देखिए बुध गुरु और शुक्र हैं, ये भाव रोग ऋण शत्रु का है। अब इसमें कैसे ग्रह आ गए, गुरु आ गए जो चौथे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं इन भावों में थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्पाउस के साथ थोड़ा बना के रखना है, या उनकी हेल्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, प्रेम आपस में रहेगा, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, और हेल्थ का ध्यान रखना है। और उनकी यात्रा को भी दिखा रहा है, स्पाउस की यात्रा हो सकती है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि गुरु अपने से बारे में भाव में जा रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 तारीख तक यहाँ पर एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं। इसके बाद सूर्य आपके सप्तम में आएंगे, यहाँ पर भी सूर्य ठीक है, अच्छे हैं, बुरे नहीं है। फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, आपका जिंदगी के प्रति रुख बदल सकता है। सूर्य सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति की थॉट्स बदल देते हैं, जो व्यक्ति धार्मिक था वो अति धार्मिक हो जाए या अधार्मिक हो जाए, चीज़ों में बदलाव आ जाए। अब तक वो मूर्ति पूजा के विरोध में था और अब उसको समझ में आया कि मूर्ति पूजा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मूर्ति मतलब सिंबल, मूरत सिंबल मतलब हर चीज एक सिंबल है, बिना सिंबल के तो आ भी कहोगे तो वो भी एक सिंबल है। तो उसकी गहराई को समझ पाए, चीजों की थॉट्स में बदलाव आ जाना, देखने के नजरिए में बदलाव आ जाना, ये सूर्य दिखाता है। इसके साथ साथ सप्तम में सूर्य है तो आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति है, आपका जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो थोड़ा सा आप पे डोमिनेंट होने की कोशिश कर सकता है, वो चाह सकता है कि चीजें उसके तरह से हों। और ग्रह कहते हैं कि आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए जहां तक है, क्योंकि सूर्य है ना, इस वजह से। और बातें ठीक हैं तो बहुत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उतना ठीक नहीं है बात, तो जब आपको समय मिले उसको प्रेम से, ज्ञान से समझाने की कोशिश करो, पर पहले खुद समझो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही गलत हो या फिर वो भी सही हो और आप भी सही हो। तो इस चीज़ को समझाओ कि भाई आप भी सही हो, हम भी सही हैं, ऐसे ऐसे हैं, और प्यार से बातों को बताए, क्योंकि दोनों गलत हों जरूरी नहीं है, दोनों सही हों ये भी जरूरी नहीं है, और एक सही गलत हो ये भी हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि दोनों ही ठीक हो, कोई गलत हो ही ना। उसका एक अपना देखने का नज़रिया है और उसका अपना एक देखने का नज़रिया है। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ना बहुत अच्छा रहता है माइंड के लिए भी, उनका फोकस भी रात में ही होता है और उन्होंने रात में पढ़ के बहुत कुछ किया है। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना माइंड फ्रेश रहता है, ये सब रहता है, दोनों अपनी जगह ठीक है। सूट किसको क्या करता है देखना होता है, आपकी प्रकृति क्या है, वात पित्त कफ और किस तरह का, तो गलत तो कोई भी नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम छठे भाव पर, छठे अष्टम भाव, अष्टम भाव की बात कर चुके हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल उच्च का हो रहा है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है आपको, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म इन सब के लिए बहुत अच्छा है। अगर महिलाएं अगर ऐसे में गर्भवती हैं तो थोड़ा ख्याल अवश्य रखना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहां पर शनि है, मंगल है, हालांकि अपनी राशि में है तो प्रोटेक्शन रहेगी, और भगवान शिव की या माँ काली की पूजा बहुत अच्छी रहेगी गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर। बाकी आपके प्रेम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, उस चीज़ का हम बातें कर चुके हैं, उसका ध्यान रखना है। आपके जो इन लॉज हैं उनकी वजह से आपके प्रेम लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, उनके ज़्यादा बन जाएंगे जिनकी कुंडली में पहले से ही कुछ दोष है, रिलेशनशिप में कुछ खटपट चल रही है, क्योंकि वो चली इसलिए रही है कि ग्रह कहीं ना कहीं ऐसे हैं, और कहीं ना कहीं हमने भी उन ग्रहों ने जैसे चलाए हम वैसे चले हैं, क्योंकि ग्रह हमको हमारे मन से चलाते हैं। मन मन में कौन आ जाती है, हमारी इंद्रियां ये सब, पर मन से भी ऊपर उठा जा सकता है, जैसे कृष्णा बोलते हैं कि मतलब गुस्सा आता है पर गुस्से से ऊपर उठा जाता है, लोगों ने गुस्से को, काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, अहंकार को, इन सबसे ऊपर उठकर ये हमको बताया है कि हम ग्रहों की पहुंच से ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए हमको योगा, मेडिटेशन, ध्यान, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी वीडियो देखना और वैराग्य और प्रैक्टिस अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए 12 द्वितीय राशि में नवम भाव में राहु है, पिता के साथ संबंधों को बना के रखें, भाग्य आपको विदेश ले जाने की, बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, माता पिता के साथ रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, उसमें थोड़ा राहु
खटपट करा सकते हैं। शादी विवाह के लिए यहाँ पे राहु ठीक है, लाभ भी आपका कराएंगे, फॉरेन लैंड वगैरह विदेश घुमा सकते हैं आपको, ऑफिस में समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान को बना के रखने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा के कुछ दिक्कत आए। राहु यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए दशम भाव, दशम भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, तो कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगी, पर रिजल्ट रहेगा, ये यहाँ पर दिखाता है। एकादश भाव पर शुक्र मंगल और शनि की दृष्टि है, उसमें से मंगल की नीच दृष्टि है आपकी और शनि की भी कोई शत्रु दृष्टि है आपका और शुक्र की भी शत्रु दृष्टि ही है, तो लाभ की संभावनाएं तो हैं जब धन की बात आए, पर जब बात आए रिश्तों की तो वहाँ थोड़ा सा ख्याल रखना है, बड़े भाई बहन के साथ भी रिश्तों का ख्याल रखना है। हालांकि छोटे भाई बहन से आपको फ़ायदा ज़्यादा दिखता है, पर बड़े भाई बहन के साथ भी अगर रिश्तों को बना के रखें तो उससे आपको फ़ायदा भी दिखाई देता है यहाँ पे। इसके बाद है बारहवां भाव जो विदेश का है, यात्राओं का है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का है, व्यय का भी है, छुपी हुई चीज़ों का भी है, बैड प्लेजर का है, सही सुख का है, स्त्री पुरुष के जो रिश्ते होते हैं उनका भी है। वो कहाँ जा रहा है? सप्तम में आ रहा है। कब आ रहा है? 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख के बाद आपके रिश्तों में मिठास आएगा, कहीं ना कहीं खर्चा आपका होगा आपके स्पाउस पर, आपकी पति या पत्नी काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, यात्रा वगैरह का यहाँ पे योग बनता है, यात्रा वगैरह आ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आपका है, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है आपका जिसमें यात्राओं का भी है या मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, तो सूर्य आपको हेल्प करने वाले हैं, आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी धाक जगने वाली है, कहीं ना कहीं आपको एक अथॉरिटी प्रदान होगी यहाँ पर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खर्चे वगैरह पर उतना ही करें जितनी आवश्यकता है, क्योंकि करना भी ज़रूरी है और एक्स्ट्रा करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। समथिंग लाइक फूड, खाना तो ठीक है, खाना ज़रूरी है शरीर के लिए, पर ज़्यादा खा लेंगे उससे भी नुकसान ही होना है, कुछ फ़ायदा नहीं होना है। तो वो जो कहते हैं ना बैलेंस बना के रखना, गोल्डन, वो ज़रूरी है। संतुलित खाओगे, उतना ही खाओगे तो उससे लाभ ज़्यादा होगा। हालांकि मन थोड़ा सा, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में ना आमन, रहा भुलाए भ्रम में डाले। टेस्टी खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा खाने का मन करता ही है, फिर बाद में दिक्कत होती है। तो मन के कंट्रोल में नहीं रहना है, मन को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल क्या, अगर एक बार उसको समझ गए तो आप ऑटोमेटिकली बुद्धि मन को कंट्रोल करने में सक्षम है, पर वो समझ तो जाए कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, समझ तो जाए, और फिर बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है, वहाँ आपको मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जितना गहरे जाओगे तो आप बुद्धि को भी कंट्रोल कर पाओगे। खैर ये सारी होगी, अब हम बात आ करते त्योहारों की। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, त्योहार हमको हमारी रूट्स से जोड़ते हैं, अपनी रूट्स से हमको, जैसे केतु होता है ना, अपने बारे में पता चलता है, अपने बारे में पता आता हो तभी तो उसको सुधारेंगे, वो तो हमारी पहचान है। तो त्योहारों में देखिए पहली तारीख को ही, एक ही तारीख को महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, जो निर्वाण षटकम है वो भारत ने दिया है, हमारी पहचान है, योगा भारत ने दिया है, सबके लिए है, किसी का नहीं है, पर कहीं ना कहीं पहचान तो है। महाशिवरात्रि है पहली तारीख को ही, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे दिन ही बुधवार को आपकी अमावस्या है फाल्गुन की, फाल्गुन का महीना है तो होली तो आएगी, और 18 तारीख को बड़ी होली है, 17 तारीख को छोटी होली है, होलिका दहन है। 14 तारीख को बुधवार, माफ़ कीजिएगा, 14 तारीख को सोमवार को अमाल्य की एकादशी है, और 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा को सुने, उसको समझें, उसको जीवन में उतारें, पूरे मन से भक्ति से व्रत रखें तो अवश्य उससे बहुत लाभ होगा। 1 तारीख और 30 तारीख को शिवरात्रि है, 21 तारीख को संकष्टी है सोमवार के दिन, और इस बार भौम प्रदोष व्रत है, भौम मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जो कि 15 और 29 तारीख को है, तो जिनका मांगलिक दोष वगैरह होता है, वैसे तो हनुमान जी की पूजा होती है पर भौम प्रदोष व्रत भी उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ 15 तारीख को मीना संक्रांति है, जैसा कि सूर्य चेंज होंगे जो हमने बताया था। संक्रांति हमेशा ही अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, उस दिन पितरों को याद करके दान वगैरह करना, अमावस्या के दिन भी पितरों को याद करके दान वगैरह करना, गीता के सप्तम आदि दूसरे सप्तम दशम अध्याय का पाठ करना, कौआ है, कुत्ता है, गाय आदि को कुछ रोटी वगैरह अपने पितरों के नाम से देना, ये काफ़ी अच्छा माना गया है।
तो ये हो गए इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।